ये हमने पार्सल मंगवाए हैं मीशो से। नहीं, देख देख आप तो खुद दिखाऊंगी। दिखाना है तो देखिए गाइस, आज मम्मी लेके आई है अपना सूट और ये देखिए माय मदर सूट एंड कलर इसका बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है। मेरे पे भी अच्छा लगेगा ना ऐसा कलर। सो फ्रेंड्स, अमित शर्मा जी गए नहीं हैं दिल्ली, मैं आपको बता रही थी कि वो कहीं बाहर गए हैं, तो वो गए हैं दिल्ली और अभी हम हैं अकेले घर पे, मतलब जा रहे हैं वो। रहे हैं ये देखिए हमारी ट्रेन आ चुकी है और अब हम एक्चुअली हमें इमरजेंसी दिल्ली जाना पड़ गया और अब दिल्ली जा रहे हैं। लाल किला है, बाईपास पे बस अब थोड़ी देर में बस पकड़ने वाले हैं। हेलो गाइस, हम कश्मीर गेट बस स्टैंड पे खड़े हैं और बस का इंतजार कर रहे हैं। अब देखते हैं कितनी देर में बस आती है।
और उसके बाद हम करनाल के लिए रवाना होते हैं। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। और आज सुबह आके बज रहे हैं 9 और आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 9 बजे। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, और कैसे आप सभी लोग, आप बताइए। आप सोच रहे होंगे 2 दिनों के बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि बीच में कुछ काम आ गया था जिसके बाद मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई, वो मैं आपको बता दूंगी। और अभी सुबह के बज रहे 9, दीदी गई है हॉस्पिटल, काम हमारा पूरा कंप्लीट घर का हो चुका है। मतलब मेरे हस्बैंड बाहर गए थे तो इसलिए वो आए थे, और अभी वो भी कुछ काम के लिए बाहर हैं। मम्मी गई है मामा के घर और अभी हम बैठे हुए हैं क्योंकि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। नाश्ता हम थोड़ी देर में करेंगे क्योंकि अभी हम नहाए थे तो ठंड लग रही थी, तो हम रजाई में आ गए हैं। और सो यूट्यूब फैमिली, अब हमारा नाश्ता हो चुका है और मेरा मेकअप भी हो चुका है, और पापा जी यहीं पे हैं। मैं दिखाती हूँ, मेरे हमारे पापा जी जो यहाँ पे शिफ्ट हो चुके थे और अभी यहीं पे शिफ्ट हैं। और दो दिनों से तो धूप निकल रही है, लेकिन वो कल तो अच्छी वाली धूप थी लेकिन आज फिर से ठंड है और थोड़े बदल भी हो गए हैं। जैसे बारिश आएगी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब रहता है, कपड़े भी। ये देखिए देखिए, हवा चल रही है बिल्कुल ठंडी ठंडी, और मम्मी ने कपड़े धो के सुखा दिए हैं। फिर गई है वो मामा के घर, और अभी अभी हम बाहर आ गए हैं। अभी 11:30 तो हो ही चुके हैं मोस्टली, और दीदी भी आ चुकी है हॉस्पिटल से। हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अभी हमारा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नाश्ता करने के बाद भी हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं सिर्फ, और आज मुझे आपसे वैसे तो बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत कुछ बताना था, लेकिन ये होता है ना कि थोड़ा कन्फ्यूजन सी हो जाती है। तो ये बच्ची की हैं 2 और हमारा लंच हो चुका है। मेरे हस्बैंड गए हैं सैलून, मतलब नाई के पास शेविंग कराने, और दीदी ऊपर है, धूप आप थोड़ी थोड़ी सी निकली है तो धूप में बैठे हुए ऊपर। और मैं भी फिल्म देख रही थी, टीवी देख रही थी, आई मीन, तो मैं अभी बाहर आई हूँ। और आयुष का आने का टाइम हो चुका है, इनका लंच हो चुका है, मतलब हमारा लंच हो चुका है, क्योंकि आज मैंने लंच में कुछ खाया नहीं है, मूड ही नहीं था, चाय पी ली थी तो उसके बाद मूड ही नहीं किया। और मेरे हस्बैंड का भी लंच हो चुका है, मम्मी अभी प्लाट से आई नहीं है, मतलब मम्मा किसे आई नहीं है, वो आ जाएंगी शाम तक। और अभी हम फ्री हैं बिल्कुल, बेले टाइम। और मैं दिखाती हूँ, और को दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड कल कुछ लेके आए हैं। ये है हीटिंग बैग जो बहुत ही मस्त है, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखिए इतना प्यारा है, बहुत गर्म गर्म रहता है ये। यहाँ पर इसका स्विच है, शायद यहाँ से आप इसे लगा सकते हैं, और इसकी वायरिंग भी दी हुई है साथ में। ये देखिए बहुत प्यारा है, सॉफ्ट सॉफ्ट है। ये वाला जो है ना हिस्सा इसका, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड फ्लफी है बिल्कुल ही, बहुत अच्छा लगा ये। गर्म भी हो जाता है ना उसके बाद, दूर करने का मन ही नहीं करता। पांडा की सर क्यूट सा है, थोड़ा छोटा सा बेबी। ये मेरा कोट रखा हुआ है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको कुछ और दिखाने वाली हूँ, सच मेरे याद आया, देखिए। ये है मेरे सूट्स, मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि मैं अभी सिलने दूंगी। ये मेरी सगाई का सूट है, एंगेजमेंट का,
जो अभी तक मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, इसका कलर मेरे को बहुत प्यारा लगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। देखिए सॉफ्ट है, बिल्कुल सिल्क कहते हैं ना जिसको, वो है। और कल मैंने मम्मी से बाज़ार से इसके लिए लाइनिंग भी मंगवा ली है। देखिए मैचिंग मैचिंग, कल मतलब शॉपिंग ही लगा लो आप। कल मम्मी और दीदी मार्केट गए हुए थे तो उसके बाद ये मेरा सेकंड सूट है। ये सलवार का कपड़ा और ये मेरा सूट। ये थोड़ी ब्लू शी ब्लैक मिक्स शेड में है, मतलब बहुत अच्छा लगा मेरे को ये। इसकी लाइनिंग मंगवाई है मैंने कल, ये देखिए इस पे मैच करती है। और ये लाइनिंग है हमारे इस वाले सूट की। अब आप सब सोचोगे ये प्लेन है, बट ये प्लेन नहीं है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। दिखा कहाँ से खुलेगा। एक तो एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है जब कोई, फिर उसको तय भी करना। ये देखिए ये है गले की कढ़ाई। बस अब आप ऐसे ही देख लेना, जब सिलेगा तब मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊंगी। ये मैं खुद नहीं सिल रही क्योंकि अभी मैं इतनी बड़ी टेलर नहीं हुई हूँ, तो ये मैं बाहर सिलवाऊंगी। ये देखिए कपड़ा बहुत अच्छा है इसका। और आप सभी को सरप्राइज दिखाती हूँ एक, जस्ट टू मिनट वेट। ये देखिए वेरी प्रिटी सूट, ये है मम्मी का सूट जो न्यू लिया है मम्मी ने। कल मम्मी और दीदी ये लेके आए मार्केट से। वेरी प्रिटी, ये भी सिल्क में है, थोड़ा मिक्सअप सा कपड़ा है। और ये देखिए वेरी प्रिटी कढ़ाई, मतलब बहुत ही अच्छा। और इसकी चुन्नी दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए वर्क बहुत प्यारा किया गया है इस पर। ये मम्मी का सूट है, मम्मी भी इसकी लाइनिंग साथ में लेके आई हुई है क्योंकि अब हम सिलवाने वाले हैं सूट। और देखिए गुड इवनिंग, यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। और हमारा आज का डिनर हो चुका है, सभी अपने रूम्स में लेट चुके हैं। और अमित शर्मा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो दिल्ली गए थे तो थक गए थे, अब वो सो चुके हैं और हम अभी सोएंगे। बाहर सब लेट चुके हैं, हम तो अपनी अपनी जगहों पे, क्योंकि सबका डिनर हो चुका है और हमारा भी डिनर हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ प्लीज़ कमेंट्स किया कीजिए, कोई भी ये नहीं बताता है कि हमको हमारे व्लॉग्स कैसे लगे, या फिर जो मैं आपको कुछ बताती हूँ उसके बारे में। तो प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग आने से पहले कमेंट कर देना, कि बता देना कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। और प्लीज़ वीडियो को शेयर किया कीजिए, आगे से आगे हमारी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और सब्सक्राइब तो प्लीज़, और लाइक करना शायद आप लोग भूल जाते हैं, लेकिन प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।